नमस्कार डीएनएक्स वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बैठक कक्ष को घर के किस स्थान पर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बैठक कक्ष भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जहां हमारे अतिथि आते हैं और उनसे ही हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं अलग अलग दिशाओं के आधार पे बैठक कक्ष कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि एक स्थान फिक्स करना मुश्किल है। अगर आपका भवन या भूखंड पूरब मुखी है तो पूरब मुखी भवन पे आप ईशान कोण पे, उत्तर और पूरब के कोण पे या पूरब में या उत्तर पे अपने बैठक कक्ष को निर्मित कर सकते हैं। अगर आपका भूखंड उत्तरमुखी है तो उसमें फिर से आप अपने ड्राइंग रूम को उत्तर, पूरब या ईशान कोण पे निर्मित करें। अगर आपका भूखंड पश्चिम मुखी है, वेस्ट फेसिंग है, तो आप अपने ड्राइंग रूम को वायव्य कोण पे निर्मित करें। अगर किसी वजह से आपका प्लॉट या भूखंड दक्षिण फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो उसे आप अग्नि कोण पे निर्मित करें। अब हम देखते हैं कि इस ड्राइंग रूम के अंदर की जमावट कैसी होनी चाहिए। हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्थान पे वास्तु के अनुरूप कैसे निर्मित करें। सबसे पहला स्थान होता है कि भूस्वामी की बैठने की जगह, कि वो सोफे को हम इस तरीके से लगाएं कि भूस्वामी जब भी ड्राइंग रूम पे बैठे तो उसका मुंह उत्तर या पूरब की तरफ होनी चाहिए। दूसरा है टीवी कहाँ पे लगाएं। टीवी लगाते समय ड्राइंग रूम में इस बात का विशेष ध्यान दें कि वो उत्तर या पूरब की दीवार पे लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर के सभी सदस्यों का अधिक से अधिक समय टीवी देखने में जाता है, और टीवी देखते समय हमारा मुंह अगर दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर होगी तो वो जो दिशाएं हैं, दक्षिण और जो पश्चिम दिशाएं हैं, वो नकारात्मक ऊर्जाओं की दिशाएं हैं। तो क्यों हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाएं? हमेशा कोशिश करें कि आपका जो मुंह है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे रहे, उत्तर या पूरब में रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकें, और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके पीठ की ओर रहे। तो आइए हम अपने ड्राइंग रूम को इस तरीके से बनाएं कि वह घर का सबसे सुरक्षित जोन बन जाए। इस ड्राइंग रूम में अगर आप एसी या कूलर लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें हमेशा एसी को दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर लगाएं। अगर आप ड्राइंग रूम में अपना मुख्य प्रवेश द्वार बनाने जा रहे हैं तो ध्यान रखें हमेशा वो पूरब या उत्तर की दीवार पे होनी चाहिए, और यह जो मुख्य द्वार है यह डबल पल्ले का दो द्वारों वाला होना चाहिए, उसमें दो पल्ले होने चाहिए, और ये जो पल्ले हैं वो हमेशा अंदर की तरफ खुलने चाहिए। अब अगर आप ड्राइंग रूम का कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, दीवालों के रंगों का संयोजन करना चाहते हैं, अपने टाइल्स लगाते समय आप जानना चाहते हैं कि ये टाइल्स का कलर कौन सा होना चाहिए, तो हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि जातक की जो कुंडली है, घर का जो भूस्वामी है, मुख्य व्यक्ति जो है, घर का जो मुखिया है, उसके ग्रह नक्षत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं
उन ग्रहों के आधार पे आप घर के ड्राइंग रूम के कलर कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं। जरूर आप ध्यान रखें कि आप अगर आप पर्दे का भी चयन करने जा रहे हैं तो वो भी आपके लाभदायक ग्रहों के आधार पे लगने चाहिए। अगर आप ड्राइंग रूम पे वॉश बेसिन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी एक कोने पे आप वॉश बेसिन भी लगाते हैं, तो ध्यान रखें कि वह वॉश बेसिन भी उत्तर या पूरब की दीवार पे लगनी चाहिए। अलग अलग पेंटिंग को भी लगाते समय जरूर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रख के लगाएं, और इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ड्राइंग रूम के अंदर एक टिप्स बताने जा रहा हूँ कि ड्राइंग रूम में एक छोटा सा कछुआ, वो कछुआ आपको मार्केट में मिलेगा जो क्रिस्टल का कछुआ होता है और क्रिस्टल का ही बाउल होता है, उस क्रिस्टल के बाउल में एक कछुआ आप ड्राइंग रूम के उत्तर की दीवार पे रख दें और उसमें पानी भर दें, तो क्या होगा, उत्तर की जो दीवार है, उत्तर की जो दिशा है वो धन की दिशा है, वो व्यापार की दिशा है। उत्तर की दिशा है वो हमारा कुबेर का स्थान है। कुबेर कौन है? कुबेर है धन का देवता। घर में हमारा जो कैरियर का पॉइंट है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका जॉब नहीं लग रहा है, तो ये जो जॉब लगने वाला जो स्थान है, कैरियर का जो स्थान है, वो उत्तर दिशा में पड़ता है। तो उत्तर दिशा में आप कछुआ रख दें, और आपके पास में कछुआ भी नहीं है तो आप छोटे से घड़े में, छोटे से कलश में एक छोटा सा पानी आप उत्तर की दीवार पे रख दें, और अगर आपके पास में आसपास में घर में कुछ फूल की पंखुड़ियाँ हो, गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, तो रोज़ उन पंखुड़ियों को उस कलश में या उस कछुए के ऊपर पे, पानी के ऊपर में डाल दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह होगा, और आपने जो सोचा है, जो जिस लक्ष्य के बारे में आप चिंतित हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको ये जो वास्तु की जो दिव्य ऊर्जा है वो आपकी एक प्रकार से मदद करेगा। आइए आप अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को वास्तु शास्त्र के अनुसार निर्मित करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। हम रोज़ आपके पास में आपके प्रश्नों से संबंधित अलग अलग वास्तु के टिप्स लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।